हैं। सर भाजी, बात करें अगर मसालों की, तो मसालों में देख रहे हैं कि आज कुछ बढ़त बनती हुई नजर आई है। अब आपको क्या लगता है, जिस हिसाब से मसालों में एक बार फिर से खरीदारी लौटी है, ये जो खरीदारी है कब तक जारी रह सकती है? देखिए, मसालों के अंदर अभी पैसे और सीजन का डिमांड पिकअप हुआ है और उस वजह से खरीदारी लौटी है, और ये खरीदारी भी लगता है कि अक्टूबर वाला जो वायदा है इसमें बनी रह सकती है। हल्दी की बात करें तो ऊपर में 7500 से 7800 का स्तर देखने को मिल सकता है। वहीं अगर धनिया की बात करें तो धनिया में भी तेजी का ही रुझान है। धनिया भी 8000 से ऊपर अब वापिस से आ चुका है, सस्टेनेबिलिटी है, और यहाँ से 8200 लेकर 8500 का स्तर देखने को मिल सकता है। जी, तो यानी कि मसालों में जो खरीदारी है एक बार फिर से लौटती हुई नजर आई है। रूपा जी के अनुसार मसालों में जो खरीदारी है, ये त्योहारी सीज़न जो देखने को मिल रहा है उसकी वजह से ये पिकअप होता हुआ नज़र आ रहा है। जो डिमांड है वो पिकअप हुई है, और दूसरा जो एक्सपोर्ट डिमांड है वो भी अच्छी खासी देखने को मिल रही है मसालों की कीमतों के अंदर, जिसकी वजह से मसालों में एक अच्छी खासी तेज़ी अभी देखने को मिल रही है, जो कि अभी तक आगे भी जारी रह सकती है।